अंपायर कदम लेते हैं। यहाँ पर पूर्व पूर्व नेपाल जी करके या हिंदी के खिलाड़ी को रेट के लिए गए हैं। तीन जर्सी के साथ में दशरथ और दशरथ ने फर्स्ट रेट पर यहाँ पर एक खिलाड़ी का शिकार करते हुए यहाँ पर खाता खुलता हुआ हिंदी का और मुकेश रेड किए गए। मुकेश सात और जर्सी सात में पूर्व पड़े की ओर से बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर वाइट लाइन के ऊपर रेड आते हुए यहाँ पर भाप रहे अपने खिलाड़ियों को। यहाँ पर देखते हैं मुकेश क्या कर पाते अपने टीम के इस प्रकार से बिना खाता खोले अपने कोर्ट पर वापस। राइट कॉर्नर पर खेल रहे मुकेश और लेफ्ट कॉर्नर पर फर्क नंबर जर्सी सात में कुरुपर के खिलाड़ी और रेड का कमाल संभाले हुए हैं हिंदी की ओर से दशरथ। अब देखना होगा दशरथ यहाँ पर क्या कर पाते हैं। गजब में यहाँ पर एंगल होल्ड किया गया यहाँ पर कुरुपर को। दोनों ही टीम सशक्त और यहाँ देखा होगा हिंदी की यहाँ दिखा जा सका कर पाते कि नहीं रेड का इस प्रकार से आज प्रकार से दो खिलाड़ी का शिकार करते हुए कुरुपर के खिलाड़ी यहाँ पर जबरदस्त मैच चलता हुआ तीन और दो की स्थिति हिंदी दो और कुरुपर तीन अंक के साथ चल रही है। लेफ्ट कदम पर इत्तेफाक दबाए हुए हैं यहाँ पर हिंदी के प्लेयर नौ नंबर के साथ इस प्रकार से और यहाँ पर कर भी मामला हो सकता है लेकिन अंपायर ने इस कॉमेंट को उन्होंने नकारा और यहाँ पर अच्छे डिसीजन एम्पायरों के द्वारा और मुकेश कह रहे जाने के साथ में जर्सी के साथ में और वहां पर चार डिफेंस के ऊपर मौजूद। देखते हैं कि यहाँ पर डिफेंस मुकेश का शिकार कर पाते हैं कि नहीं। लंबे के खिलाड़ी मुकेश लेकिन अपने टीम का खूबसूरती के साथ टाइम आउट का समय समाप्त होता है। चार डिफेंस के ऊपर मौजूद खुद ऊपर रखे मैदान खिलाड़ियों से फरक पड़ा और शिकार करने के लिए गए हैं नौ नंबर जर्सी के साथ में हिंदी के प्लेयर। यहाँ पर देखते हैं किसका शिकार करके जाते हैं ये खिलाड़ी हिंदी के बहुत ही बढ़िया और यहाँ पर खुद उतारा के लिए काफी मजबूत माना जाता है। यहाँ अब यहाँ पर देखना होगा और पूरा हम मुकेश जा रहे रेड के लिए खुद उतारा कमा संभाले हुए सात नंबर जर्सी के साथ में और यहाँ पर एक नंबर और नंबर जर्सी साथ में लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर अपना मोर्चा संभाले। यहाँ पर देखते हैं मुकेश किसका शिकार करते हैं नौ नंबर के प्लेयर का शिकार करते हैं या एक नंबर के जर्सी वाले को शिकार करते हैं मुकेश। अब देखना होगा क्योंकि मुकेश यहाँ कई प्रकार से खतरा उठाए बिना एक नंबर के जर्सी ग्रुप में दो अल्टरनेट को लेकर के गए हैं। बॉट लाइन के ऊपर खेलता हुआ रेडर हिलरिक प्लेयर और उत्तम खुशी के साथ चंद्र दोस्त खुद उतर के डिफेंस यहाँ पर अच्छी यहाँ पर टेस्ट किया गया ब्लॉक के द्वारा और यहाँ पर इस दो और डाई पुनः मुकेश सर्विस कमाल संभाले हुए हैं। यहाँ पर सुपर टेकल आन यदि निश्चित यहाँ पर टेकल करते हैं यहाँ पर मुकेश को शिकार करते हैं तो यहाँ पर दो अंक मिलेगा हिंदी को। यहाँ पर गलत कैचिंग कहा जाए मुकेश उतना बाहर खिलाना यहाँ नामुमकिन होगा क्योंकि तीन खिलाड़ी के बीच पकड़ पाना मुकेश के लिए बहुत ही घातक शब्द हो सकता था लेकिन यहाँ पर हिंदी के खिलाड़ी सौ डिफेंस के बीच यहाँ पर रेट आते हुए देखते हैं किसका शिकार करके जाते हैं लेफ्ट कॉर्नर को या राइट कॉर्नर को। यहाँ पर राइट कॉर्नर पर मुकेश यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए नौ नंबर के जर्सी के साथ मेरे जा रहे हैं यहाँ पर और हिंदी के रेडर बिना अंक वापस पुनः मुकेश गया रेड डालने के लिए। दो खिलाड़ी अभी कोर्ट पर मौजूद सुपर टेकल आन सुनहरा मौका मुकेश का शिकार करने के लिए दोनों खिलाड़ियों के लिए लेकिन यहाँ पर देखते हैं उतना चंचल खिलाड़ी मुकेश लेकिन मुकेश को पकड़ पाना शायद मुश्किल होगा। दो शिकार करते हुए मुकेश अपने कोर्ट पर वापस और नौ नंबर के जर्सी के साथ हिंदी के प्लेयर रेड का डालने के लिए गए। देखने हैं कि नौ नंबर जर्सी के साथ तो अपने साथी परिवार से रह पाता है कि इस प्रकार से शायद उन्होंने अपना ताल ठोक दिए हैं और एम्पायर किसी ने आना बाकी इस प्रकार से और एक खिलाड़ी का शिकार करते हुए हिंदी के नौ नंबर के जर्सी के रूप में और यहां दशरथ को रिवर्ट करा कर लाए हिंदी के प्लेयर। अब देखते हैं दशरथ क्या करते हैं यहाँ पर सुपर टेकल आ रहे मुकेश को पकड़ने के लिए यहाँ पर दशरथ एक छोटे यहाँ पर साबित होता हुआ
पहुंच चुके हैं दर्शक को लाइन में आए यहाँ पर 9 नंबर के जर्सी के साथ में इंडिया के प्लेयर और 13 नंबर के जर्सी के साथ में दर्शक जो है आए हैं और जिन्होंने मुकेश का शिकार किया और यहाँ पर दशरथ राइट कॉर्नर पर खेल रहे हैं। यहाँ पर देखना होगा कि पांच डिफेंसर पर मौजूद लेकिन लेफ्ट कॉर्नर को शिकार करते हैं दशरथ या राइट कॉर्नर को यहाँ पर बहुत ही गर्मी मामला है दशरथ बिना अंक वापस मैदान पर या तीन डिफेंस या सुपर टेकल ऑन है हिंडन के प्लेयर के लिए बेचारा के मुंह गिरा दे गुरु जी और ये टू ऑफ टाइम है दशरथ के यार इस प्रकार से बहुत ही करीबी मामला हो सकते हैं निर्णय मिलता है दशरथ को कैप्टन इसको लाइन में रेडी और सेकंड हाफ का पहला रेड 8 नंबर के जर्सी के साथ खोरू पर के खिलाड़ी यहाँ पर हिंडी के मैदान पर अरे टन का यहाँ पर 4 डिफेंस को पर मौजूद यहाँ पर देखने का क्या होता है यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर नहीं होए बहुत ही बढ़िया यहाँ डिफेंस यहाँ पर अपना बॉडी ओ संभाल बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर कुछ 30 साथियों के साथ ही संभाला पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर पूरा यहाँ पर दशक रह चुका है खुलू पर हारी था एक पर एक चार लेकिन अभी दशरथ ने जैसा ही रिवाइव हुआ और यहाँ पर खेल का पूरा बुनियाद हिला के रखे खुलू पर टीम का और यहाँ पर 12 अंक के साथ चले हिंदा में और खुलू पर टीम 6 अंक के साथ चाहते थे लेकिन लैन नंबर के जर्सी का शिकार करके मुकेश वापस अपने मैदान पर यहाँ पर एक छोर पर मुकेश और दूसरी छोर पर दशरथ जब हिंडी का जान मारे यहाँ पर देखते यहाँ कौन सा बोनस प्लस पॉइंट मिलता है दशरथ को यहाँ पर एक खिलाड़ी का शिकार करके हिंडी के प्लेयर और यहाँ पर बैट खुशी के साथ 7 नंबर के संग यहाँ पर सभी जानों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रार्थनी है लेकिन ज्यादा उत्साहित ना हो क्योंकि खेल है और शांति बनाएंगे और वो साथ लगते हैं इसलिए आप लोगों से निवेदन है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बच्चा तो 7-15 की स्थिति खेलों की समझ में वापसी करते हैं दशरथ को शिकार करना होगा क्योंकि हिंडी की टीम ने रमेश का शिकार किया मुकेश का शिकार किया और वहीं से टर्निंग पॉइंट होता हुआ ये हिंडी हावी होता हुआ खेलू पारा के ऊपर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ग्रीन कार्ड दिखा दिया गया है खिलाड़ियों को ग्रीन कार्ड हमारे अंपायर हरवंश कस्तूरिया भैया की तरफ से खिलाड़ी अपने खिलाड़ी भाला से खेलेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कार्ड सिग्नल मिल चुका है खिलाड़ियों को और यहाँ पर दशक का रेट आने के लिए खुल पर आप कदम आगे दशक का शिकार करने का और दशक का शिकार करना और यहाँ से 8-15 और मैं चाहूंगा जितने भी हमारे पुलिस साथी जो सामने में बैठे हैं कृपया महिलाओं और अच्छी जगह को छोड़ दें हमारे पुलिस साथी जो सब जितने हमारे पुलिस वर्ग महिलाओं का राखी स्थान को छोड़ दें कृपया आप इस साइड आ जाएं इस पंडाल के नीचे
क्योंकि महिलाएं दूर से रोड से किनारे से खड़े करते हैं क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहता हूँ पुरुष वर्ग से कृपया जगह छोड़ देंगे पुरुष वर्ग, ताकि महिलाओं की बैठने की व्यवस्था हो सके। और जितनी भी महिलाएं जो बाहर से देख रही है कृपया आकर पंडाल के नीचे आकर बैठ कर देखें। सभी महिलाएं जो दूर से देख रहे हैं रोड किनारे से, और रुमेश के हरे डांडे की जो सात रस्सी के साथ महिला दिख रहा है पांच दिवस पर मौजूद इस प्रकार से एक लड़की का शिकार करते हैं। आंखों का अंतराल नजदीकी मामला होता है, 11 और 16 पांच अंकों का फासला रह चुका है। एक तरफ मुकेश और एक तरफ दशरथ और मुकेश का शिकार जैसे ही होता है वहीं से रुख बदलना आसान हो जाता है किसी भी टीम के लिए। यहाँ पर दशरथ का शिकार लेना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर मुकेश कह रहे डालने की यहाँ पर देखना होगा कि हिंडा डी की टीम यहाँ पर टेकल कर पाते कि नहीं, मुकेश का शिकार कर पाते कि नहीं। यहाँ पर डिफेंस का जगह यहाँ पर हाउस के मैदान यहाँ पर सात दिवस मौजूद। यहाँ पर राइट बैनर पर मुकेश कर रहे 12 नंबर जैसी का उपलब्ध करने पर दशरथ को शिकार करने के लिए यहाँ पर देखना होगा दशरथ को टैकल कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन बोनस देने की कोशिश यहाँ पर देखना होगा दशरथ ने सात बोनस हासिल कर लिए है अतिरिक्त अंकों के साथ और 13-18 यहाँ जबरदस्त बन जा रहा है। यहाँ एक तरफ मुकेश आदि होता हुआ तीन डिफेंस या सुपर टैकल ऑन है, मुकेश को शिकार कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर हिंदी के खिलाड़ी ये देखना होगा क्योंकि यहाँ पर मुकेश और मुकेश का शिकार कर लिए। यहाँ पर 6 रुपये के लिए मुकेश का बैठना खतरनाक साबित हो सकता है। 6 डिफेंस अभी खुले पड़क में मैदान पर अभी भी तैनात और शिकार करने के लिए गए हैं दशरथ। अब घटना बाद में रोका गया दशरथ को, दशरथ के लिए बांधा रोकना बड़ा ये मशक्कत करने के बराबर है। यहाँ उस प्रकार से 12 नंबर के दशरथ के साथ पूरी सरकार यहाँ पर 20 और 13 की सात अधिक पारे गजब की यहाँ पर बंद हो गया। यहाँ पर 16 हो गया बहुत दूर से 16 हो गए करने का प्रयास है और सभी पर हाथ लगी खिलाड़ी को यहाँ पर अरविंद गहरा रेडिंग के लिए 9 नंबर जर्सी के साथ में और 8 नंबर के खिलाड़ी को शिकार करके वापस और यहाँ पर टाइम आउट लेता हुआ हिंडन के खिलाड़ी। कुछ सेकंड का फासला यहाँ पर हार जीत लगी रहती है लेकिन दोनों टीम के काफी मुकाबला, लेकिन यहाँ पर मानना पड़ेगा 2 नंबर जर्सी के खुले पड़े के खिलाड़ी बिना अंक वापस और ये अरविंद गहरा रेडिंग के लिए 9 नंबर जर्सी के साथ खुले पड़े मैदान पर 4 डिफेंस स्क्वाड पर मौजूद। यहाँ पर करोड़ मरो की स्थिति है खुद पर खिलाड़ियों को यहाँ पर बहुत खुशी के साथ यहाँ पर और अरविंद ने यहाँ दशरथ को रिवाइव कराया। एक खिलाड़ी बचा हुआ था हिंडन के खिलाड़ी लेकिन दशरथ जैसे रिवाइव हुए और वहां से यहाँ पर खुद पर का पत्थर झड़ना शुरू हुआ और इस प्रकार से हिंडन के टीम यहाँ पर 14 और 23 की स्थिति और यहाँ पर